नाश्ते में इसको बना सकते हो। टमाटर प्याज की चटनी बनाने के लिए हमने 2-3 टमाटर को बारीक काटा है, 1 बड़ा प्याज बारीक काटा है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची है, चुटकी भर हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, अदरक, मिर्ची, लहसुन, 2 चम्मच नारियल की सै, इमली है थोड़ी सी, सूखी लाल मिर्ची और करी पत्ता यूज करेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल गरम हो गया है, प्याज डालेंगे। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अब इसमें अदरक, मिर्ची और लहसुन की कली डालेंगे। अब इसमें सूखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। अब इसमें इमली, नारियल की व थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अब इसमें नमक, हल्दी व मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छे से सब पक गया है, गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे। चटनी को हमने पीस दिया है, अब तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए तेल डाला है, तेल गरम हो गया है, राई चटकाएंगे। थोड़े सा मोगर, करी पत्ता और गैस बंद कर देंगे। तड़का चटनी में ऐड करेंगे। लाजवाब यम्मी टमाटर प्याज की चटनी बनके तैयार है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।